हेलो, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मन के निगेटिविटी के बारे में। हम काम जल्दी क्यों नहीं करते, उसके बारे में बोलने वाला हूं। मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, इसके पहले वाले दो तीन वीडियोस में, कि मन में कंटिन्यूअसली, दिमाग में कंटिन्यूअसली एक निगेटिव आवाज, नकारात्मक सोच चालू रहती है और वो हमको काम करने नहीं देती। जो भी मैं बोलता हूं ये मुझे करना है तो वो नहीं करने देगी। ये जो दुनिया में जो मनुष्य प्राणी है, ह्यूमन बीइंग है दुनिया में, उनको सबको यही बीमारी है। कौन सी बीमारी है? कि आज का काम कल करेंगे, ये वाली पोस्टपोन करने वाली, इसको बोलते प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब आज का काम कल करना। इसको बोलते टुमारो सिंड्रोम, टुमारो सिंड्रोम मतलब कल करेंगे, बाद में करेंगे। लोग आलसी है और वो एक अपने बीइंग में ही आया हुआ है, मतलब अपने होने में ही वैसा आया हुआ है, ह्यूमन बीइंग में आया हुआ है ये। कौन सा कि नहीं बाद में करेंगे। एक्चुअली हमको क्या बताया हुआ है कि भाई कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षणमय प्रलय होगा फिर करेगा कब। लाइफ जो है ना, जिंदगी वो अभी है और जो भी करना है ना वो आज करो, ऐसा हमको बताया हुआ है। संत कबीर का दोहा है, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, क्षणमय प्रलय होगा फिर करेगा कब। हम क्या करते हैं? हम बोलते कल करेंगे, कल करेंगे, टालते जाते हैं, शुरुआत नहीं करते काम की और फिर काम होते नहीं। हम शब्द देंगे लोगों को ये काम करो वो काम करो और काम नहीं करेंगे, काम आगे ढक लेंगे, टाइम पे काम नहीं करेंगे। हम तो ऐसा जीते हैं ना कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है यारो, जीना है यहां परसों, ऐसा हम जीते। हम बोलते हैं कि प्लानिंग ऐसा करो, योजना ऐसी बनाओ कि आप 100 साल जीने वाले हैं, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, मगर जियो ऐसा कि आज का पहला और आखिरी दिन है, पहला और आखिरी दिन आज का है, ऐसा जियो। तो वो होना जरूरी है कि जो प्रोक्रास्टिनेशन की बीमारी है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक्शन लेनी पड़ेगी। कोई भी कारण सुनना नहीं है, खुद ने खुद को दिया हुआ कारण सुनने का नहीं है, कोई भी वजह बीच में आने देनी नहीं है। जो सोचा वो किया, जो बोला वो किया, जिस समय मैं करूंगा ऐसा बोला है उस समय वो करने का है। फिर कितना भी आलस रहे, कितने भी दिमाग में कुछ भी विचार आए, तभी वो काम टालने का नहीं, आलसीपना करने का नहीं। तो अपने शब्द को मान देना और जो शब्द जो समय पे मैंने दिया हुआ है वो शब्द वो समय पे उसका मान सम्मान करना, वो काम करना। दूसरा एक कारण है आगे ढकलने का काम, या आज का काम कल करने का, वो एक कारण है कि मैं करूंगा तो एकदम परफेक्ट करूंगा। परफेक्ट मतलब एकदम उसमें आप कोई कसर निकाल नहीं सकते, कोई गलती निकालेंगे नहीं, इतना परफेक्ट करूंगा ना तब करूंगा, उसको बोलते परफेक्शनिज्म, परफेक्ट सिंड्रोम। परफेक्ट तो आदमी कभी होने वाला है नहीं, हमको करना है एक्सलेंट, अति उत्तम, सर्वोत्तम करने का है। और आज जो मुझे लगता है सर्वोत्तम है वो कर देने का है, उसके बाद में और कुछ उसमें लानी है नई नई चीजें तो कर सकते हैं, ला सकते हैं, मगर मैं उस दिन के लिए रुका कि एक दिन मैं एकदम बहुत ही परफेक्ट काम करूंगा, अति अचूक जिसको बोलते हैं, अति अचूक मतलब एकदम परफेक्ट, उसमें कोई आप गलती नहीं, ऐसा काम तो कभी होने वाला है नहीं। क्योंकि समझो मैंने ये कमरा साफ करने के लिए एक को बताया कि भाई तू साफ कर, उसने कितना भी अच्छा साफ किया तभी उससे ज्यादा अच्छा तो और कोई आदमी व्यक्ति वो कमरा साफ कर सकता है, ऐसा तो नहीं कि काम नहीं कर सकता और अच्छा साफ नहीं कर सकता। मगर लोग क्या है कि मैं भाषण दूंगा कब? जब जिस दिन मैं परफेक्ट बनूंगा तब। मैं किताब लिखूंगा कब? जिस दिन मैं परफेक्ट बनूंगा तब। मैं पढ़ाई करूंगा या मैं कोई प्रोजेक्ट चालू करूंगा कब? जिस दिन वो एक अच्छा दिन आने वाला है, जिस दिन मेरी क्षमता बढ़ जाएंगी तब। मैं एक्सरसाइज करूंगा, कसरत चालू करूंगा कब? एक दिन, जिस दिन मेरी बॉडी पहले से अच्छी हो जाएंगी, फिर बाद में और अच्छा करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। मतलब हम क्या करते हैं कि हरदम वो दिन के लिए राह देखते हैं कि जिस दिन मैं परफेक्ट बनूंगा। वो दिन कभी आने वाला है नहीं, आप कभी परफेक्ट बनने वाले नहीं है। हाँ, परफेक्ट किसने बनने का है?
या परफेक्ट काम किसने करने का है? समझो हवाई जहाज उड़ाने वाला कैप्टन है, पायलट। अब जो पायलट है उसने बोलना जरूरी है कि भाई मेरा हवाई जहाज 100% परफेक्ट होना, उसके सिवाय मैं ऊपर उड़ूंगा नहीं, उड़ान लूंगा नहीं, क्योंकि उसमें तो कोई 99% या 90% चलता नहीं है। या डॉक्टर ने जो सर्जरी करनी है उसमें उसको 100% मालूमात होना और 100% एक्यूरेट करने को होना, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसी कुछ बातें रहती है कि जिसमें परफेक्ट होना मतलब 100% होना बहुत ही जरूरी है, मगर बाकी बहुत चीजें 80% ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसके ऊपर मैं जितनी तरक्की कर सकता हूं, करना चाहता हूं वो करूंगा, मगर मैं 100% का इंतजार नहीं करूंगा। जहां जीवन मरने का सवाल है, जीवन का सवाल है, मरने का सवाल है, वहां 100% वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मगर बाकी जगह जो भी है वो आज का दिन है, आज मैं कर लूंगा और जितना भी मुझे आता है वो करूंगा, और इसके आगे तरक्की की सोचूंगा, तरक्की के लिए कोशिश करूंगा। तो ये निगेटिविटी मेरे दिमाग से निकालता हूं। ये जो दो बीमारियां मुझे है, एक ही टुमारो सिंड्रोम, एक है परफेक्शनिज्म सिंड्रोम, परफेक्ट सिंड्रोम। ये दो बीमारियां तभी, ये दो बीमारियों से मैं अच्छा हो सकता हूं जब मैं खुद को बोलता हूं कि मैं करूंगा और ये समय पे करूंगा। और जो एक तीसरी जो है कि जो भी मैंने संभावना बोली है वो संभावना को बोलना कि नहीं बाद में करना, बाद में करना, तो बाद में कभी होता नहीं है, जो करना है वो आज करना है और वही आपको आगे जिंदगी में लेके जाएगा। तो मेरा पक्का विश्वास है कि आज ये दुनिया में जितने भी ह्यूमन बीइंग है उनको जो बीमारी है कल करेंगे, और जब करूंगा तब परफेक्ट करूंगा, परफेक्ट के सिवाय कुछ नहीं करूंगा, ऐसे जो बीमारियां उससे दूर हो जाएंगे आज से ही, और जिस दिन आपने जो ठहरा हुआ काम है वो करेंगे ताकि आपकी तरक्की बहुत बड़ी हो जाएगी और आप जिंदगी में बहुत ऊंचाई पे चले जाएंगे। तो आप लोगों के लिए ये शेयर करो ताकि लोग भी ये बीमारी से ठीक हो जाएंगे और एक अच्छा जीवन लोग जी सकते हैं। मैं बीमारी इसलिए बोल रहा हूँ मतलब वो कोई पागलपन नहीं है, बीमारी इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तरह की एक जीने का तरीका है लोगों का, और वो सबका ही है, मेरा भी है, ऐसा नहीं कि मैं उससे दूर हूँ, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मगर अभी मैंने प्रैक्टिस कर लिया है कि नहीं, जिस दिन जो मैंने बोला वो करने का है वो आज करने का है, जितना भी मुझे आता है आज मैं अच्छा से अच्छा करूँगा आज, और फिर बाद में जब इससे भी अच्छा आएगा उस दिन और करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आप शेयर करो, लोगों को लाइक करो, और यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।